हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अखिलेश ने सही बात सही वक्त पर कह दी। कांग्रेस की चिदंबरम को दे दी नसीहत। कागज की लड़ाई जीतनी पड़ेगी। पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कांग्रेस के लिए सही बात उन्होंने सही वक्त पर कह दी। जिस बात पर अगर पी चिदंबरम ने ध्यान दिया होता तो शायद शाह के सियासी चक्रव्यूह से बच जाते। केंद्र की एजेंसियां ईडी और सीबीआई के हर सवाल का जवाब देने में कामयाब होते, उनके शिकंजे में फंसने के बजाय तोड़ ढूंढ पाते। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार से लड़ना है तो कागज की लड़ाई जीतनी होगी। अखिलेश से चिदंबरम पर सवाल पूछा गया, उनकी अग्रिम जमानत याचिका के खारिज होने, उन पर भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई और ईडी के कसते शिकंजे पर सवाल पूछा गया। अखिलेश की ओर से जवाब आया, कहा ये कागज की लड़ाई तो लड़नी होगी, अगर कोई सरकार पीछे पड़ जाए सरकार के पास सब ताकत है, सरकार की ही पुलिस, सरकार की फौज, सरकार के ही विभाग हैं, सरकार से तभी लड़ पाएंगे जब कोई कागज पर जीत पाएंगे। आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपों का सामना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद भी पी चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया है, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ हो रही है।